पेरियार ईवी रामास्वामी भारतीय राजनीति की सबसे विवादित हस्तियों में से एक है। पेरियार और विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। तमिलनाडु के सामाजिक राजनीतिक हालत पर पेरियार का गहरा असर है। तमिलनाडु के भीतर कोई भी पार्टी खुले रूप से पेरियार की आलोचना नहीं कर सकती। वो पेरियार ही थे जिन्होंने द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की थी। डीएमके, एआईडीएमके और एमडीएमके इसी आंदोलन की पैदाइश है। आज ही के दिन 1989 को उनका जन्म हुआ था। पेरियार को एशिया का सुकरात भी कहा जाता है। वे एक धार्मिक हिंदू परिवार में जन्मे थे। इसके बावजूद ताउम्र उन्होंने धर्म का विरोध किया। हिंदू धर्म की कुरीतियों पर इतनी मुखरता से अपनी बात रखी कि बहुत से लोगों को यह उनकी आस्था पर प्रहार लगा। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर पेरियार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, मगर ब्राह्मणों का वर्चस्व देखा तो छोड़कर आ गए। ब्राह्मणों के प्रति उनकी तल्खी अंत तक बरकरार रही। पेरियार का मानना था कि ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक सिद्धांतों और कर्मकांडों के जरिए बाकी सभी जातियों पर प्रभुत्व जमा रखा है। पेरियार का सोचना था कि निचली हिंदू जातियां इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाकर ब्राह्मणों के अत्याचार से बच सकती हैं। 1924 में पेरियार ने केरल के मंदिरों में दलितों की एंट्री के लिए आंदोलन किया। बतौर एक्टिविस्ट पेरियार ने सबसे बड़ी पहचान निचली जातियों को सम्मान दिलाना रही। तमिलनाडु में पेरियार ने हिंदी थोपे जाने के खिलाफ आंदोलन भी चलाया। पेरियार का सबसे विवादित आंदोलन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के खिलाफ था। इस आंदोलन में मूर्तियां तोड़ी गई, जलाई गई, कई जगह मूर्तियों को जूतों की माला पहनाकर जुलूस तक निकलाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना और बीआर अंबेडकर के अलावा पेरियार ही वो तीसरी बड़ी शख्सियत रहे जिन्होंने खुलकर महात्मा गांधी का विरोध किया। जब गांधी की हत्या हुई तो पेरियार बेहद दुखी हुए और भारत का नाम गांधी देश रखने की मांग भी कर दी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने गांधी को भला बुरा कहना भी शुरू कर दिया। दिसंबर 1973 में दिए गए अपने आखिरी भाषण में भी पेरियार ने कहा था, हम गांधी का संहार करते उससे पहले ब्राह्मणों ने हमारा काम कर दिया। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग उठाई, उसी का सहारा लेकर पेरियार ने द्रविड़ नाडु की मुहिम तेज कर दी थी। 1940 में पेरियार और जिन्ना के बीच इसे लेकर 3 मुलाकातें भी हुईं, मगर गैर मुस्लिम की मांग को सपोर्ट से जिन्ना ने इनकार कर दिया। पेरियार शादी को पवित्र बंधन की जगह साझेदारी के रूप में देखते थे। उन्होंने इस विचार को दक्षिणी राज्यों में फैलाया। बाल विवाह खत्म करने, विधवा महिलाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार को लेकर भी पेरियार ने खूब आंदोलन किया। उनकी गिनती देश के बड़े समाज सुधारकों में रही, पर विवादों से भी उनका चोली दामन का हमेशा साथ रहा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी